त्याग व बलिदान के महापर्व ईद उल जुहा यानी बकरीद की बुधवार को देश भर में धूम रही। इस अवसर पर पर्व के निमित्त जनपद भी जश्न में डूबा नजर आया। पर्व पर जज्बाई कुर्बानी के साथ खुदा के सजदे में हजारों सिर झुके। शहर में सबसे बड़ी जमात बदरका स्थित ईदगाह में जमा हुई। यहाँ ईद उल अजहा की नमाज अदा कर हजारों लोगों ने देश में अमन चैन खुशहाली की दुआ करते हुए आपसी भाईचारे सौहार्द को मजबूत करने की मन्नतें मांगी। नए लिबास, नए उत्साह, नई रौनक के साथ ईदगाह में जमा हुए लोगों ने खुदा की इबादत में यहाँ अपने सर झुकाए, अमन चैन की दुआएं मांगी। नमाज के उपरांत ईदगाह पर मौजूद रहे जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों को पर्व की मुबारकबाद दी। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। 474 स्थानों पर बकरीद की नमाज अदा की गई है। पहले तो बकरीद पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाओं बधाई देता हूँ। ये त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग मनाएं, इसकी अपील करता हूँ। त्यौहार के लिए पूरी तैयारी की गई है, हर जगह हमारी फोर्स तैनात है। फोर्स के अलावा हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं, जितने गस्टेड ऑफिसर्स पुलिस के लगे हैं उतने ही मजिस्ट्रेट्स लगे हैं। इसके अलावा भी हमने जगह जगह मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं, सभी 8 SDMs, इसके अलावा हमारे 3 ADMs, CDO और 5 अन्य विभागीय अधिकारियों को मजिस्ट्रेट नामित करते हुए तैनात किया गया है और हर जगह पीसफुल तरीके से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। अभी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह पर्व त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण और भाईचारिक माहौल में हर साल की तरह इस बार भी संपन्न हो जाएगा। जिले में कितने जगह नमाज अदा की है? कुल 474 स्थानों पर है, अलग अलग छोटी बड़ी जगहों पर नमाज अदा हो रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि ने बताया कि पर्व के मद्देनजर जनपद में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती हुई है। यह फोर्स देश जिले में 3 दिनों तक तैनात रहेगी। देखिए, मैं बकरीद के मौके पर आजमगढ़ के समस्त वासियों को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं और अपील करता हूं कि शांतिपूर्वक सभी लोग इस पर्व त्यौहार को मनाएं। ये 3 दिन तक कुर्बानी चलेगी और 3 दिन तक हम लोग पूरी व्यवस्था फोर्स की लगा कर रखे हुए हैं। सभी जगह से शांतिपूर्वक जो है अभी नमाज संपन्न हो रही है, काफ़ी जगह पर संपन्न हो गई है। यहाँ भी मुख्य जो ईदगाह है यहाँ पर नमाज संपन्न हो गई है, तो सभी भाईचारे से ये पर्व मना रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि पूरे शांति के साथ और सौहार्द के साथ ये पर्व मनाया जाएगा। फोर्स की सर कितनी तैनाती की? फोर्स काफ़ी संख्या में आई है, PAC आई है, RRF आई है और जो है तमाम तरह की हमारी सिविल की होमगार्ड चौकीदार तक की भी हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है, तो काफ़ी पर्याप्त संख्या में फोर्स है और जगह जगह ड्यूटियाँ तैनात की गई है। ईद उल जुहा की नमाज अदा करने के बाद जिले में कुर्बानी का दौर शुरू हुआ। इस अवसर पर मिर्जा मोहम्मद साकिब ने बताया कि रमजान के पवित्र महीने के लगभग 70 दिनों के बाद ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। महत्व है कि आपसी भाईचारा और हमारे इस मज़हब में यह है कि यह कुर्बानी करना, कुर्बानी कर में गरीबों में, दोस्तों में, भाइयों में, सब में बांटना। क्या महत्व है, मतलब क्या इसको क्यों मनाया जाता है? मनाया जाता है क्योंकि इसका एक इस्लामिक हिस्ट्री है कि हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उनके क्या नाम है इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ था कि उनको कुर्बानी करने के लिए, तो उसकी जगह जो अपने बच्चे कुर्बानी करने गए तो उसके अल्लाह ताला का इतना अमल पसंद आया, उसके जगह एक दुम्बा भेज दिया, उसकी कुर्बानी हुई, तो वही ता क़यामत तक कुर्बानी चलती रहेगी।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकारी नारा सिर्फ नारा बनकर रह गया है, हकीकत इसके विपरीत है। जी हाँ, आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में घर से बाहर निकली युवती को हमलावरों ने गोली मारकर घायल कर दिया और असलाह लहराते हुए फरार हो गए। युवती को आनन फानन में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां हालत की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया। इस घटना को लेकर परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना किन कारणों से हुई इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, पुलिस जांच में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार मेहनगर थाना क्षेत्र के खड़गपुर गांव में मंगलवार शाम घर से टहलने निकली 22 वर्षीय युवती सुधा सिंह घर से कुछ ही दूरी पहुंची थी कि बाइक सवार दो बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में युवती बुरी तरह से घायल हो गई, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ से वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। वाराणसी में उसका उपचार चल रहा है, हालत स्थिर बनी हुई है। ऐसा है सर कि उसका नाम सुधा सिंह है, वो BTC में चयन हो चुकी है, अध्यापिका हो चुकी है सर, और वो डेली टहलने के लिए जाती थी 5:30 बजे। तो अब कुछ लोगों ने अज्ञात आए और हमला करके ऑन स्पॉट हमला करके चले गए और उनको तो देखा नहीं गया सर। ऐसा है कि ऐसे लोगों का जल्द से जल्द कोशिश। अभी क्या हालत है, कहाँ पर है? इस समय सर BHU पे है। नहीं, BHU नहीं, सिंह हॉस्पिटल में सर। तो क्या हालत है, कुछ बताया किसी ने? हाँ सर, उनकी उनका ऑपरेशन कर दिया गया है और ऑपरेशन से गोली निकाल दी गई, अब स्थिति सही है सर। गोली कहाँ लगी सर? ये बाएं था हाथ में लगी है सर। सुधा सिंह है जो मेहराजपुर क्षेत्र की रहने वाली है, 22 साल उम्र है, और इसको बाएं तरफ सीने में गोली लगी और जाके फिर बाएं हाथ में फंसी हुई थी। काफ़ी ब्लीडिंग इसको हो रही थी और रात में आई थी, सुबह इसका ऑपरेशन किया गया है, गोली जो है निकाल दी गई है, अभी फिलहाल स्टेबल है। अभी कब लेकर के लोग आए हुए थे यहाँ पे? रात में लगभग 2 बजे के आसपास। खतरा ऐसी अभी कुछ नहीं है, लेकिन रखा है ICU में। जी ICU में है वो? हाँ, ICU में चेस्ट में लगा हुआ था ना, सीने को फाड़ते हुए, फेफड़े को फाड़ते हुए, उसके बाद जो है जाके हाथ में गोली जो है फंसी हुई, इसलिए ICU में ऑपरेशन कर दिया। ICU में रखा गया, ब्लीडिंग की भी काफ़ी, ब्लड वगैरह भी चला दिया गया। गोली निकाली आप लोगों ने ऑपरेशन? गोली निकाली, एक ही गोली थी? एक ही गोली थी, 315 की गोली थी, लगता है कट्टा से मारा था। अभी कब तक खतरा लग रहा है डॉक्टर साहब? कल तक स्टेबल रहेगी तो फिर वैसे ठीक है, स्टेबल है। इस मामले में परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस हर पहलुओं को देखते हुए तफ्तीश कर रही है। SP सिटी सुभाष चंद्र गंगवार का कहना है कि हमलावर जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। थाना के अंतर्गत एक खड़गपुर गांव पड़ता है, कल शाम की घटना है। एक लड़की जो 21-22 साल की, वो शौच के लिए गई थी और जब शौच से लौट रही थी तो उस समय उसके द्वारा बताया गया कि एक मोटरसाइकिल पर दोनों लड़के आए और उन्होंने फायर कर दिया जो उसके कंधे पे लगा है। उसको सदर अस्पताल लाया गया था, बेहतर इलाज के लिए उसे बनारस भेजा गया है और कोई भी इसमें अभी बात प्रकाश में नहीं आ रही है। जब उससे पूछताछ की गई थी कि आपको गोली मारने का कोई रीज़न वोजन है, तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी हुई है, तो उसके द्वारा बताया है कि हमारे साथ कोई छेड़खानी की नहीं हुई और अचानक आकर गोली मार दी है। अभी इसमें पुलिस ने 307 में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है। सारे पहलू पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का अनावरण कराया जाएगा। अभी जब उसके पिता से भी बात की गई तो वो भी कोई रंजिश के बारे में नहीं बता रहे हैं, लड़की भी कोई छेड़खानी की बात नहीं बता रही है, तो इसको हम लोग देखवा रहे हैं कि क्या मैटर हो सकता है।
बुधवार को जनपद में ईद उल जुहा का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। नमाज के बाद कुर्बानी का दौर जहां शुरू हुआ तो वहीं आपसी भाईचारे की महक से पूरा जनपद भी गमक उठा। पर्व पर सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर मुस्लिम बंधुओं के घर पहुंच उन्हें पर्व की बधाई दी। एक दूसरे को गले लगाकर आपसी प्रेम भाईचारे व सौहार्द की नज़ीर पेश की। पर्व पर मुस्लिम घरों में विशेष रूप से काजू घी बादाम से लबरेज स्वादिष्ट लजीज सेवइयों का स्वाद सभी ने मिलकर चखा। इस अवसर पर बने दर्जनों पकवानों से मेहमानों का मेजबानों ने स्वागत किया। अधिवक्ता अल्ताफ आजमी ने पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला, कहा कि भाईचारा इंसानियत और गरीबों की सुध लेना इस पर्व का महत्वपूर्ण मकसद है। आज जो है बकरीद की नमाज हम लोगों ने सुबह 7:30 बजे अदा किया। उसके बाद हम अल्लाह की राह में हम सारे मुसलमान अपने तरफ से पहले ऊपर वाले से दुआ किए कि हमारी जो भाईचारा है हमारे हिंदुस्तान की जो हर एक मजहब से ऊपर है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो ईसाई हो, सबसे पहले हर धर्म हर ग्रंथ यही कहता है कि पहले इंसानियत को आप जिंदा करिए। इंसानियत के बाद कोई भी देवी देवता भगवान अल्लाह सब लोग आते हैं। इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि सारे इंसान एक साथ अपने त्यौहार को एक अच्छे तरीके से मनाएं और इंसानियत का पैगाम दें। हमको ये हम जिस धर्म को मानते हैं अल्लाह पाक से हमको ये कहा गया कि आप हमारी राह में कुर्बानी दीजिए। हमको अपने बच्चे की कुर्बानी देनी थी लेकिन हमारे कुछ महापुरुष लोगों ने उसको अल्लाह पाक से अपने जज्बे को कायम करते हुए उसको दिखाया, तो उन्होंने बच्चे की जहाँ पे जानवर को कर दिया। जानवर में भी वो जानवर जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जो मांसाहारी नहीं होते, उनकी कुर्बानी देनी होती है अल्लाह की राह में। और गोश्त वगैरह का जो मामला है वो खुद नहीं खा करके जो गरीब हैं उनका पहले ख्याल करना है। ये जज्बा तब अल्लाह पाक के कामयाब होता है। लोगों ने अपने हिंदू मुसलमान सब भाइयों के साथ मिल करके ये आपस में सेवई खाना और एक मोहब्बत पैदा करना, ताकि इससे हमारी जो हिंदुस्तानी परंपरा है वो परंपरा हमारी हमेशा के लिए बरकरार रहे। जो हमारे बाप दादा हमारे सूफी संतों ने हमको दे करके गए हैं वो परंपरा हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की हमेशा ज़िंदा रहे और उसको हम बरकरार रखें। पवित्र श्रावण मास में भवनाथ मंदिर के सामने भव्य भंडारे का आयोजन श्रीमती सुराती राय बालिका इंटर कॉलेज रानी की सराय द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को शिव भंडारा आयोजक आशीष राय सोनू के प्रतिनिधि द्वारा प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए प्रतिनिधि प्रवीण जायसवाल ने कहा कि समाजसेवी आशीष राय सोनू द्वारा यह भंडारे का आयोजन किया गया है। उनकी मंशा है कि भंडारे का अधिकाधिक लाभ जरूरतमंद उठाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। प्रवीण जायसवाल ने कहा कि आयोजक आशीष राय शुरू से ही समाज की सेवा करते चले आए हैं और इसी को और व्यापक बनाने के लिए सावन के महीने में भवनाथ मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें दोपहर और रात तक भंडारे का प्रबंध किया गया है। भंडारे का समापन रक्षाबंधन को मंत्रोच्चार व पूर्णाहुति के साथ होगा। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि आगामी समय में संस्थान द्वारा सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1100 निर्धन गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा, जो अपने में आजमगढ़ की गरीब जनता के लिए ऐतिहासिक होगा। इसके साथ ही गरीब परिवार के किसी भी सदस्य के निधन होने पर परिवार को सहायता राशि भी दी जाएगी। यही नहीं, आजमगढ़ में गरीबों की सेवा के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी जारी किया जाएगा, ताकि हर गरीबों का कल्याण हो सके। इस अवसर पर आशीष राय के पिता श्रीनिवास और माता श्यामबाला राय, अंशुमान राय, माधुरी गुप्ता, अनिल सिंह, मेटा सिंह, आनंद चरोसिया सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज की जो प्रेसवार्ता बुलाई गई है ये समाज सेवा के संदर्भ में बुलाई गई है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है और हमारी क्या क्या आगे योजनाएँ हैं इस सब बारे में बताने के लिए आप लोग को बुलाया हूँ। और हमारे बीच में बहुत लोग आते गए, बहुत लोग गए, प्रसाद लिए, ग्रहण किए, पूरे सावन मास तक चलता रहा। सावन मास की शुरुआत से लेकर अंत तक चलता ही रहेगा। डेली हमारे यहाँ हज़ारों की भीड़ आती है, 7,000, 6,000, 8,000 लोग आते हैं, भोजन करते हैं। दोपहर में 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक भंडारे का जो है प्रसाद वितरण होता है और शाम को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अनवरत चलता रहता है। डेली भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे यहाँ भोज पदार्थ जो है वितरण होते हैं। लोग आते हैं भूखे प्यासे, लोग अपने
अपने जो प्रसाद को लेते हैं, लोगों की आत्मा तृप्त होती है, लोग आशीर्वाद देते हैं, घर चले जाते हैं। और ये कुछ लोग हमारे बीच आए जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आए यहाँ प्रसाद वितरण किए और जा करके इस भंडारे का प्रमोट अपने खुद के लोगों के लिए कि उनके नीचे आशीष राय को डाल दिया गया, उनके नीचे आशीष राय को और अपनी एक व्यक्ति विशेष को जो है उन्होंने इसमें प्रमोट कर दिया कि इस भंडारे का आयोजन उनके नीचे आशीष राय करवा रहे हैं। विशेष मैं इसके लिए बुलाया हूँ ये प्रेस वार्ता, लोग जाने कि सिर्फ और सिर्फ इस भंडारे का आयोजन आशीष राय जी ने ही किया। आशीष राय जी एक समाज सेवी हैं, वो समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, यहाँ से लगाए बॉम्बे तक उनके जो है जो भी बिजनेस है उसी में से अपना जो है काट ओट करके लोगों को समाज सेवा के लिए पैसे निकालते हैं, लोग मदद करते हैं। यहाँ भी उन्होंने जो मदद भेजी पूरी हर संभव हम लोगों ने मदद की है। आगे और भी समाज सेवा की योजनाएँ हमारे हैं, आगे हम लोग कोई भी गरीब की बहन बेटी हो जो बिन ब्याही न रह जाए दहेज की वजह से, हम आगे योजना बना रहे हैं 3 साल के अंदर अंदर 1100 जोड़े शादी की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी प्लानिंग चालू हो गई है और हम आगे की व्यवस्था कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे उसके लिए प्लानिंग चल रही है, आगे आपके सामने योजनाएँ आ जाएंगी, 3 वर्ष के अंदर अंदर हम लोग पूरी कर लेंगे। और क्या है प्लान? और भी प्लान है, अगर हमारे क्षेत्र में कोई गरीब असहाय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे जलाने के लिए लकड़ी और वाहन की व्यवस्था हमारे नंबर पे आशीष राय जी के प्रतिनिधि प्रवीण जायसवाल जो मैं बोल रहा हूँ मेरे नंबर पे फ़ोन करके आप वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय भी आपने डाला हुआ है जहाँ? अभी कार्यालय हमने डाला नहीं है, आगे हमारी योजना है कार्यालय डालने की। आगे मैं अपने जिले मुख्यालय पर एक ऐसा कार्यालय डालूँगा जहाँ एक अपनी हेल्पलाइन बनाऊँगा, लोग अपनी समस्या को रखेंगे जहाँ तक मेरी शक्ति होगी, जहाँ तक मेरी क्षमता होगी, आशीष भाई साहब की क्षमता होगी, वहाँ तक हम लोग हर संभव मदद किया जाएगा। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ODF किए गए ग्राम सभा समयसा माहौल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बिना शिफ्टिंग किए ही ग्राम सभा को ODF घोषित कर दिया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए खंड विकास अधिकारी फूलपुर धीरेन्द्र प्रताप यादव, ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी लालजी को कड़ी फटकार लगाई तथा निर्देशित किया कि शिफ्टिंग के बाद ही ग्राम सभा को ODF घोषित करें। जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थी चंद्रावती, पुष्पा, फिरतु, भगना देवी के बने हुए शौचालयों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने इस मौके पर ग्रामीणों को शौचालय कैसे बनवाएं तथा खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया और कहा कि शौचालय का प्रयोग ही करें, सेफ्टी टैंक वाले शौचालय न बनवाएं। उत्तर प्रदेशी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासंघ की यह बैठक बुधवार को डॉक्टर अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई। बैठक के दौरान शिक्षक समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्हें दूर करने की रणनीति पर महासंघ ने विचार विमर्श किया। महासंघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष लालचंद राम ने बताया कि बैठक के दौरान 2 मुख्य मुद्दों को लेकर महासंघ ने रणनीति तैयार की है। इनमें पहली 2011 से बाधित पदोन्नति की समस्या और दूसरी सेवानिवृत्त शिक्षकों के देयकों के भुगतान का मुद्दा प्रमुख रहा। उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों के देयकों का भुगतान न होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पदोन्नति मुद्दे पर TET की अनिवार्यता के संदर्भ में हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने की बात बताई। यह बैठक बुलाई गई है, अध्यापकों की विभिन्न समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर के आज हमने यह बैठक बुलाया है और जिसमें प्रमुख रूप से यह समस्या है कि 31 मार्च 2018 को जो शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं उनका आज तक GPF भुगतान जो है नहीं हो पाया, जबकि इसके पूर्व में
ज्यों ही शिक्षक सेवानिवृत्त होता था उसका सारा भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं लेखाधिकारी की अकर्मण्यता के कारण जो है आज सेवानिवृत्त शिक्षकों का अंतिम जीपीएफ भुगतान नहीं किया जा रहा है, और इसकी संगठन जो है घोर निंदा करता है। और अगर इसी तरह की लापरवाही बरती गई तो संगठन जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।